हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और उसमें आज हम करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ग्रोथ के बारे में हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत टाइम से, जब से इकोनॉमिक्स आई है तब से इकोनॉमिस्ट का फोकस क्या रहा है, इकोनॉमिक्स का फोकस रहा है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है और कंट्री की इनकम इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी और इनकम इंक्रीज करनी है। बट बात ये आती है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी कैसे है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हम इंक्रीज कैसे करेंगे, इनकम जो है किसी स्टेट की, किसी नेशन की या किसी कंट्री की, हम इनकम इंक्रीज करनी तो कैसे करनी है, ये बात अब इकोनॉमिस्ट के सामने आ रही है। इकोनॉमिस्ट के सामने ये इशू आ गया कि क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी या किसी कंट्री की इनकम इंक्रीज तो करनी है बट कैसे करनी है। अब जब ये एक बात सामने आ जाती है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की उनको पता चल गया कि हमने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी कैसे है, तो उससे ये बात निकल कर आती है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन के साथ साथ जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इनकम भी बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो लोगों की लाइफ का बेटरमेंट है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। 1950 से पहले की बात है, उस टाइम पे लोगों को लगता था कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्शन के साथ इनकम भी इंक्रीज होगी, तो अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो क्वालिटी एक्सपेंशन का इश्यू था वो नहीं लोगों को पता था, वो उस चीज़ पे कोई मतलब डिस्कशन होती नहीं थी, उनको ऐसा लगता था कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होती ही होगी, तो उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस नहीं पता था। वो मानते थे कि जो ग्रोथ है वो कॉज एंड इफेक्ट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल, कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के साथ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट भी होगी, जो लोगों की लाइफ है वो भी बेटर हो जाएगी। मतलब उनका मानना था कि किसी एक फैमिली की अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो उनकी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा। ये 1950 से पहले की बात है, उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे उनको लगता था। तो 1950s तक वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस ही नहीं पता कर पाए। ऑल्दो उनको ये पता था कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है दोनों अलग अलग टर्म्स है, बट इन दोनों को वो अलग अलग कर नहीं पाए, इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता कर पाए। उनको ये लगता था कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट होगी ही होगी। और उसके बाद 1960s तक आते आते फिर उन्होंने बहुत कंट्रीज में ऐसे देखा, यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही थी बट जो वहाँ की डेवलपमेंट थी वो कंपैरेटिवली लो थी। ग्रोथ जो थी, ग्रोथ कंपैरेटिवली हाई हो रही थी बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो तब उनको जाकर समझ आई कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सेम चीज़ नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगी, ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे फिर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अलग चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अलग चीज है। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होगी ही होगी। फिर जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स बताए जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। उन्होंने बोला कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करने हैं, लोगों की क्वालिटी अच्छी करनी है, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको थोड़ा बेटर करना है, तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स होना जरूरी है, जैसे कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, खाने पीने को अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फूड मिलना चाहिए लोगों को। सेकेंड आता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या आ जाती है, हॉस्पिटल हो गया, मेडिसिन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें भी जरूरी है। न्यूट्रिशन, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, और साथ में लेवल ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन के बिना भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे वेरिएबल्स जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए चाहिए होते हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स होना जरूरी है। और इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो निकल कर सामने आई थी, वो क्या आई थी कि अगर लोगों को हम बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी इन्हांसिंग इनपुट्स देते हैं, जैसे कि अगर लोगों को फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ उनको मिनिमम लेवल ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा। अगर क्वालिटी इन्हांसिंग इनपुट्स दे रहे हैं
अब सिर्फ खाना देने से या उनकी हेल्थ अच्छी करने से या उनको एजुकेशन देने से ही तो लोगों के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं होंगे ना, उनके साथ साथ उनको मिनिमम लेवल ऑफ इनकम भी तो देना पड़ेगा ना, तभी उनका थोड़ी डेवलपमेंट होगी। इनकम के बिना तो डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये बात निकल कर आती है कि जो इनकम है, इनकम कहाँ से आती है? इनकम आती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से। अगर हम कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे तभी वहां से इनकम निकल कर आएगी ना। तो जब इनकम अगर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इनकम आएगी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। अब ग्रोथ होएगी तो इट डजेंट मीन के ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होगी ही होगी। ग्रोथ से पहले डेवलपमेंट करना भी जरूरी है। जो हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना भी जरूरी है, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल जीरो है और आप डेवलपमेंट ही करे जा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ भी थोड़ी बहुत चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए, दोनों को बराबर लेकर चलना होगा। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ ग्रोथ ही करे जा रहे हो, डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दे रहे, या अकेला डेवलपमेंट ही करी जा रहे हो, ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होगा। अब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी नहीं है कि इकोनॉमिक आप ग्रोथ करे जा रहे हो तो डेवलपमेंट पर ध्यान ही नहीं देते, आपको ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट अपने आप होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है। अब 1960s के बाद जो इकोनॉमिस्ट थे उनको ये बात क्लियर हुई थी 1960s के बाद कि ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। फिर उसके बाद इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उन्होंने दी एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में उन्होंने ली दो फैमिलीज, एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। अब जो फैमिली ए है, ए क्या कर रही है, ए के दोनों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो सेम है, दोनों के पास सेम पैसा आ रहा है, मंथली इनकम दोनों की सेम है, ए की भी और बी की भी। अब ए क्या कर रहा है, ए के पास जितना भी पैसा आ रहा है वो सारे का सारा पैसा ही सेव कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ए पैसे को सेव करे जा रहा है, बैंक में डाल देता है जितना भी उसका इनकम आता है, और उसका खाने पीने पर उसका कोई ध्यान नहीं है, सेहत पर कोई ध्यान नहीं है, एजुकेशन पर वो कोई खर्चा नहीं कर रहा। उसके बच्चे हैं उनको बस वही 8th 10th और घर पे बिठा लिया कि चलो जी कमाई करो, ठीक है, कोई एजुकेशन पे वो खर्चा नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ बी है, बी क्या कर रहा है, बी हेल्थ केयर पे भी पूरा ध्यान दे रहा है, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो साथ ही साथ उसको हॉस्पिटल लेकर चला जाता है, एजुकेशन पे भी खर्चा कर रहा है, उनको अच्छे स्कूल में उसने पढ़ाया, उसके बाद कॉलेज में पढ़ा रहा है, और साथ ही साथ जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उसकी सेविंग कर रहा है। तो इन दो चीजों से, दोनों एग्जांपल्स है जो ए और बी फैमिलीज की हमने एग्जांपल ली है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ए है, ए के केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही और बी के केस में डेवलपमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि बी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा है, एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहा है, और साथ ही साथ कुछ सेविंग भी कर रहा है। और ए क्या कर रहा है, ए सिर्फ सेविंग कर रहा है, पैसा इकट्ठा करने से डेवलपमेंट नहीं होगी, इकट्ठा करने के साथ साथ उसको अच्छे से खर्च करना भी आना चाहिए, डेवलपमेंट तभी होगी। तो इन दोनों फैमिली से यही बात निकल कर आती है कि पैसा सिर्फ सेव करने से डेवलपमेंट नहीं होगी, सिर्फ सिर्फ के मतलब इनकम जनरेट करने से डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट के लिए पैसे को कैसे अच्छे से खर्च करना है ये भी समझ में आना चाहिए। फिर यहां से तीन केसेस निकल कर आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। फर्स्ट क्या आता है, हायर ग्रोथ एंड हायर डेवलपमेंट, कि ग्रोथ ज्यादा है तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी। सेकंड, हायर ग्रोथ बट लोअर डेवलपमेंट, ग्रोथ तो हो रही है बट डेवलपमेंट कंपैरेटिवली कम हो रही है। लोअर ग्रोथ बट हायर डेवलपमेंट, ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है और उसके हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है। बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि जीरो ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट हो, ग्रोथ होनी जरूरी है डेवलपमेंट के साथ। हाँ, यहाँ पे ये है कि ग्रोथ कंपैरेटिवली डेवलपमेंट के कम हो रही है। तो इन चीजों से क्या चीज क्लियर होती है, इन ये जो हमने तीन केसेस देखे हैं, इन तीनों केसेस से एक चीज तो क्लियर होती है कि हायर इनकम एंड जो ग्रोथ करनी है, अगर हमने हायर इनकम लेनी है, हायर ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए हम कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सेम ही चीज आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। एक तो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी नॉर्मल डेवलप कर रही है, एक होती है हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें इनपुट्स देने पड़ेंगे। तो इसके लिए फिर हमें अच्छी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसीज अच्छी होगी तभी डेवलपमेंट तो पॉसिबल है ना। वर्ल्ड में हर जगह तो डेवलपमेंट ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि हर कंट्री में हम सोचेंगे डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हाई डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए जो पब्लिक पॉलिसी है वो भी हमें अच्छी बनानी होगी, तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो सिमिलरली हम ये भी, इसके साथ एक और चीज़ निकल कर आती है, क्या आती है कि ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट पॉसिबल
नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और डेवलपमेंट होती रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत ग्रोथ होना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे फिर सामने आती है। अब अगर हम एग्जांपल देखें डेवलपमेंट की, ठीक है, हम ये तो बोल रहे हैं, अब पहले जो साइंटिस्ट थे 1950 से पहले, उनको लगता था कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो रही है। बट फिर उन्होंने देखा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ मीन्स कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, वहाँ पे ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो रही है बट डेवलपमेंट उतनी नहीं है, कंपैरेटिवली डेवलपमेंट लो है, हो रही है डेवलपमेंट बट कंपैरेटिवली बहुत कम डेवलपमेंट हो रही है। अब तो उसके बाद फिर इकोनॉमिस्ट को ये बात समझ में आई कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो लेवल ऑफ इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, तेल बेच कर बहुत पैसा कमाते हैं, वो ग्रोथ बहुत अच्छी है उनकी, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो वहीं से फिर एक इकोनॉमिक्स की और ब्रांच निकल कर आई जिसका नाम था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब कि ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आई वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF के आने के बाद फिर इन्होंने जो भी वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उनके लिए इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी शुरू करी, इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करी और उनको बताया कि कैसे हम लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये काम किसने किया था? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, WB एंड IMF ने। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे हम लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस भी है और साथ ही साथ क्वालिटेटिव प्रोग्रेस भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ क्वालिटी ही नहीं आती, उसमें क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस भी आती है। तो मतलब कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी हमने इंक्रीज करनी है, क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस हो रही है, बट अगर डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस के साथ साथ क्वालिटेटिव प्रोग्रेस भी आती है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है तो उसके साथ अगर लो डेवलपमेंट हो रहेगी तो जो ग्रोथ है वो हाई ही रहेगी। मतलब कि अगर ग्रोथ हो रही है किसी इकोनॉमी में तो ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट करना भी जरूरी है। अगर डेवलपमेंट कम होएगी, ग्रोथ ज़्यादा होएगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ पे, ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर ग्रोथ कम है और डेवलपमेंट हम साथ में अच्छी खासी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ग्रोथ भी एक्सेलरेट होगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। मतलब कि अगर ग्रोथ ज़्यादा है, डेवलपमेंट कम है तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अगर ग्रोथ कम है, डेवलपमेंट ज़्यादा है तो हो सकता है धीरे धीरे ग्रोथ भी हमारी बढ़ जाए, ग्रोथ भी एक्सेलरेट हो जाए। तो मतलब कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है इन दोनों के बीच में एक सर्कुलर रिलेशन पाता है कि अकेले ग्रोथ भी काम नहीं करेगी, अकेले डेवलपमेंट भी काम नहीं करेगी। अगर ग्रोथ हो रही है तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए। तो ये वाला जो सर्कुलर रिलेशनशिप है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये टूटा था जब आया था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का जो सर्कुलर रिलेशनशिप था ये टूट गया था, क्योंकि अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो स्टैंडर्ड था वो भी कम हो गया, ग्रोथ भी कम होगी, दोनों ही चीज़ें कम हो गई थी ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद। तो फिर कॉन्सेप्ट निकल कर आया वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आता है मैटर ऑफ हाई कंसर्न। वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स है या इकोनॉमिस्ट है, फिर उनके सामने आया कि भाई जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। उस टाइम तक जो डेवलपमेंट का मैटर था वो हाई कंसर्न का मैटर बन चुका था वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए। अगर आप वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो डेवलपमेंट को आगे लेकर आना पड़ेगा, डेवलपमेंट को एक मैटर ऑफ हाई कंसर्न बनाना पड़ेगा। तो फिर यहीं से एक और नई ब्रांच निकल कर आई थी इकोनॉमिक्स की जिसका नाम था वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स था उसका कॉन्सेप्ट फिर डेवलपमेंट के साथ ही आया था कि अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम लेकर आएंगे तो डेवलपमेंट भी साथ में होगी ही होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।